Okay, in the last video we have completed SHE or NHE. SHE is a standard hydrogen electrode or NHE is normal hydrogen electrode. Okay, next we are going to solve some questions. Questions kuch karenge usse related. So questions hai. Chalo bata deta hu questions ke liye. What is that question? SHE is important section hai. Usko thoda usme kuch hai bhi nahi. Just we have to make hydrogen gas ko electrode banaya jata hai. Uske liye platinum wire ka help liya jata hai. Nothing else. Aur ek jacket. एक ग्लास ट्यूब जैकेट लेता है, ग्लास जैकेट जिसको बोलते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द ई सेल. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट द ई सेल, मतलब सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. एंड इन दैट सेल पोटेंशियल क्वेश्चन गिवन था, वो था हमारा एच प्लस एच टू गैस. एच टू गैस है. एच टू गैस ब्रैकेट में वन एटीएम वन एटमोस्फेयर हाइफन एच प्लस 0.01 मोलरिटी. इट वॉज गिवेन यहाँ पे सेमी कॉलम ऐसे बना दिया था. इससे पहले प्लैटिनम लिख दिया, इट वाज गिवन प्लैटिनम डबल हाइफन. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है Cu2+ 0.001 मोलरिटी, ऐसे ले लो. फिर हाइफन Cu सॉलिड, दिस इज गिवन. ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन. यू हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल. इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद ही रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0. ये गिवन होगा क्वेश्चन में. Actually, it is 0.34 value. ऐसा मैं यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ it's 0.34 value. ये दिया रहता है examination में. Okay, तो पहले इसको जरा देखते हैं. ये समझ में आ रहा है H2 से ये H plus जा रहा है. यहाँ पे 0 है, 0 से plus 1 means oxidation. यानी left hand side में AOL, it's good, सही है, ठीक है. Cu plus 2 से 0 पे जा रहा है, it's reduction. यानी CRR, cathode reduction right hand side. तो ये भी सही है. अब यहाँ पे ये क्या दिया, व्हाट इज दिस प्लैटिनम. तो प्लैटिनम का यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है, यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकालने में कुछ काम नहीं है. इट इज जस्ट एन इंडिकेशन टू शो दैट दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हैड बीन मेड व्हाइल यूजिंग दिस प्लैटिनम रड, प्लैटिनम वायर. हम लास्ट देख चुके हैं ऐसे चीज. तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. हम जब यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया गया, इट इज यूज दैट इलेक्ट्रोड हैज बीन मेड बाय यूजिंग प्लैटिनम वायर. तो इट इज जस्ट रिडक्शन. तो अब हम क्या करेंगे, यहां से H2 gives 2H plus plus 2 electrons. This is the reaction at anode. And copper 2 plus plus 2 electrons. This is the copper as I got. This is the reaction at cathode. अब दोनों reaction को हम क्या कर देंगे, add कर देंगे cell reaction निकालने के लिए. H2 2H plus plus 2 electrons. अब यहाँ पे Cu 2 plus plus 2 electrons gives Cu. अब दोनों को मिला देंगे, यहाँ से 2 electrons cancel हो जाएगा. ये 2 electrons कैंसिल हो गया. अब दोनों का ऐड कर देंगे, इट विल गिव H2 Cu2 plus gives 2H plus plus Cu. ठीक है, यहां से Q निकालना है. तो Q equals to concentration of product by concentration of reactant. तो concentration of product H plus का होल स्क्वायर कोएफिशिएंट पावर में जाएगा. दिस इज Cu एंड यहां पे फिर आएगा Cu2 plus into यहां पे H2. अब हमें पता है सॉलिड का कंसेंट्रेशन 1 होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड 1. अब इसका क्या होगा, अब क्लास 11th अगर जो लोग मुझसे पढ़ चुके हो तो उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जो मॉलरिटी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 में टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन था, वहां पे मॉलरिटी मैंने वहां पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था. सारा उसका पॉइंट्स पढ़ा दिया था, सारा इंटर कन्वर्जन आपस में कन्वर्जन सब मैं प्रूव कर चुका था. वहां पे 12 पॉइंट्स मॉलरिटी के लिए मैंने पढ़ाया था. एंड मॉलरिटी ऑफ सॉलिड मैंने वहां पे लिखवाया है इट 1. मॉलरिटी ऑफ वाटर, मॉलरिटी ऑफ सॉलिड, मॉलरिटी के डिफरेंट फॉर्मूलास. एंड मॉलरिटी ऑफ गैस एट 1 एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो 1. तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है इट इज एट 1 एटीएम मीन्स वॉट, इसका जो है इसका कंसेंट्रेशन भी क्या होगा 1. इन शॉर्ट क्यू समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब जो क्वेश्चंस बनाने में जब आएगा ई सेल निकालने में, तो क्यू इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में वही टर्म्स आएंगे विच आर इन आयंस के फॉर्म में है. बाकी जो न्यूट्रल फेज में होगा उसका कंपल्सरी कंसेंट्रेशन 1 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, सिर्फ ये आयंस के फॉर्म में, ये आयंस के फॉर्म में, चाहे वो केटायंस हो या अनायंस. अभी तो केटायंस आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा उसमें अनायंस भी आते हैं. तो ये पोर्शन हो गया,
तो अब Q यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, Q कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, ये H+ के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर, एंड इन प्लेस ऑफ कॉपर 2+ इट्स गिवन 0.1, तो यहां से Q निकाल लेना, और N का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुआ, इट इज 2, तो N का जो वैल्यू हो गया ये 2 आ गया, N का वैल्यू 2 आ गया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, अब सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो सेल पोटेंशियल E cell के लिए formula क्या हो गया, E not cell minus 0.0591 by my N log base 10 Q, instead of E cell, E not cell, we can just write E not right minus E not left minus 0.0591 by my N log base 10 Q, अब फिर से हम यहाँ put कर देंगे, E cell equals to E not right में कौन सा है, Cu2+, Cu2 plus by Cu minus left में कौन सा है? H plus, reduction के form में लिखना है H2, ये bracket में हो जाएगा minus 0.0591 by main की जगह 2 log base 10 Q बहुत लंबा है तुम लोग लिख लेना उसको put करके, अब E cell equals to हो जाएगा copper, इसका जो value होता है this value, ये value दिया रहेगा question में, ये value जो होता है 0.34, its value is 0.34 minus 0, hydrogen के standard reduction potential is 0 minus 0.0591 by 2 and सब वो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना और यहां पुट कर देना log base 10 q, उन सबको निकाल देना, इट विल कम e cell जो आएगा ये आएगा समथिंग वोल्ट, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देना और क्या, ठीक है, आई होप तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे उसको, वहां पे q निकाल के यहां पे पुट करना, एंड जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, ठीक है, what is the answer for this cell potential, what is the cell potential of for this reaction, okay, write in the comment section, main bar bar bolta hu answer likhne ke liye, tum log likhte nahi ho, sunte hi nahi ho baat, okay, so see you all in the next video, that's all for this video, thank you.